ओम शांति। आपका प्रश्न है कि पुरुष प्रधान समाज ने नारियों पर कितने समय से जुल्म किए हैं, उन्हें सजा कब मिलेगी? बहुत अच्छा बात है, बहुत अच्छा दर्द है बहनों के प्रति। आज जो बहनें बनी हैं वो पिछले जन्म में पुरुष थी, ये भूलना नहीं चाहिए। उन्होंने जुल्म किए थे, आज उनके ऊपर जुल्म हो रहे हैं, क्योंकि हम आत्मा ना स्त्री हैं और ना पुरुष है। हम एक जन्म पुरुष बनते हैं, एक जन्म स्त्री बनते हैं। कर्म अच्छे किए हैं चाहे पुरुष बने चाहे स्त्री बने सुख पाएंगे, कर्म खराब किए हैं चाहे पुरुष बने चाहे स्त्री बने दुख पाएंगे। ये तो देह की दृष्टि है, अज्ञानता की दृष्टि है कि ये स्त्री है और ये पुरुष है। याद रखिए, हम एक जन्म पुरुष बनते हैं, एक जन्म स्त्री बनते हैं। कर्म अच्छे करें तो हमारा जीवन श्रेष्ठ बनेगा, सुखमय बनेगा। स्त्री या पुरुष बनने से दुख प्राप्त होने वाली बात नहीं। आज आप देखेंगे कि बहुत ऐसे स्त्रियां भी हैं जो बहुत सुखी हैं, बहुत ऐसे पुरुष भी हैं जो बहुत दुखी हैं, परंतु हर एक ने अपना अकाउंट तो बराबर करना है। कोई किसी को दुख क्यों दे रहा है? क्योंकि उसने पिछले जन्मों में उसे दिया हुआ है, चाहे वो पुरुष है चाहे वो स्त्री। स्त्री पुरुष की तो उसमें कोई बात ही नहीं है, यहां तो सीधी आत्मा की बात है। आत्मा ने जिस आत्मा को दुख दिया था, आज वो सास बनकर के भी दुख दे रही है, बहू बनकर के भी दुख दे रही है, ननद बनकर के भी दुख दे रही है, पति बनकर के भी दुख दे रही है, पत्नी बनकर भी दुख दे रही है। कौन सा रिश्ता है? सारी उंगलियां बराबर नहीं है, परंतु सुख व दुख अपने कर्मों के हिसाब से ही ले रही है। मैं ये नहीं कह सकता कि सारी नंदे खराब होती हैं, सारी सास खराब होती हैं, सारी वो खराब होती है, नहीं। ये आप सब जानते हो, प्रैक्टिकल है। या पुरुष और स्त्री वाली कोई बात ही नहीं है। समझ में आया होगा कि हर एक आत्मा अपना अकाउंट बराबर कर रही है, किसी भी प्रकार का स्त्री पुरुष वाली बात। और अच्छी तरह से समझना हो तो प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय के किसी भी सेवा केंद्र से संपर्क करें, या आपको और अच्छी तरह स्पष्टीकरण कोई चाहिए हो, आपका कोई प्रश्न हो, अवश्य भेजे। जो ईश्वरीय ज्ञान मुझे मिल रहा है उसके आधार पर मैं आपको जो मुझे समझ में आया है वो देने का पूरा प्रयास करूंगा। सेवा का अवसर देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।